जैन साथियों, चलिए आज अप्रैल के लास्ट वीक के क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका अप्रैल के लास्ट वीक का क्वेश्चन है। देखिए, आपका अभी तक अप्रैल का समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश आपका लेट हो गया है, लेकिन आपको जल्द ही आपका अप्रैल का आपका फुल मंथ का आपको करेंट अफेयर क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, जल्द ही इसके बाद आपका जल्द ही अप्रैल के फुल मंथ का हम क्वेश्चन करवा देंगे, और उसके बाद आपका जस्ट आपका मई का भी हम स्टार्ट कर देंगे, और मई का फर्स्ट वीक आपको जल्द ही करवा देंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस देश ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए सप्लाई करने पर चीन और बेलारूस की कंपनियों पर बैन लगा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह बैन लगा है अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। यानी देखिए, पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल यानी सप्लाई करने के कारण चीन और बेलारूस पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा 2024 में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस जनजाति ने पहली बार वोटिंग किया है। तो यह किया है सोमपेन जनजाति, ऑप्शन सी होगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का थर्ड है, क्वेश्चन कह रहा है बेंगलोर में अंतरिक्ष क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप दिंगतरा के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन अप्रैल 2024 में किसने किया है। यह किया आपका इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन सी होगा। देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस आपसे पूछा ही जाएगा, साथ ही में इसका थीम भी ध्यान रखिएगा कि 2024 में इसका थीम क्या था, क्योंकि अब आपके एग्जाम में थीम भी पूछे जाते हैं। तो इसका थीम था ग्रह बनाम, ध्यान रखिएगा, इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, इसका थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो ध्यान रखिएगा, यानी इस बार का पृथ्वी दिवस का, यानी 2024 के पृथ्वी दिवस का थीम था ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन कर आपका केंद्र सरकार ने आतंकरोधी बल NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। ये किया है नलिन प्रभात को, ऑप्शन सी होगा, नलिन प्रभात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन कर आपका लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों का वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है, यानी जीरो रहा है। यानी लोकसभा 2024 के चुनाव में कि किस राज्य के 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत जीरो रहा, यानी शून्य रहा है। यह रहा आपका नागालैंड के, ध्यान रखिएगा, नागालैंड के 6 राज्यों में 2024 में आपका जीरो वोटिंग पड़ा है, ऑप्शन बी होगा, यानी एक भी वोट नहीं पड़ा है। क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन कर आपका कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा है। ये आपका क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो आपका सेवन का आंसर क्या होगा, सेवन का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एट है, क्वेश्चन कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं। ये बने हैं MS धोनी, ऑप्शन डी होगा। MS धोनी अभी तक IPL में 5051 रन बनाए हैं, 5051 रन बनाए हैं, और विकेट कीपर के तौर पे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन कह रहा है सीपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में, यानी ये देखिए वो आपका ये रिपोर्ट आपका 2023 का ही है, लेकिन यह रिपोर्ट आपका जारी हुआ है 2024 में। ठीक है, इसलिए आपका 23-24 दोनों लिखा मिल सकता है। तो सीपरी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है। तो ये रहा है आपका चौथा स्थान पर, यानी मिलिट्री पर खर्च, यानी सेना पर खर्च करने में विश्व में चौथा स्थान पर भारत है। पहला स्थान पर कौन है, ध्यान रखिएगा, पहला स्थान पर है अमेरिका, यानी सेना पर सबसे अधिक खर्च कौन करता है, अमेरिका करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन टेन है, क्वेश्चन कह रहा है सिपरी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में पहले स्थान पर कौन है। तो अभी आपको बताएं कि पहला स्थान पर कौन है, अमेरिका है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कह रहा है अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया, यानी 100% वोटिंग हुआ है किस मतदान केंद्र पर, तो यह हुआ आपका अंजाव जिला, ऑप्शन बी होगा, अंजाव जिला में ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कह रहा आपका कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस, सॉरी राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक ने हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी में सूर्य के द्रव्यमान का एक नया स्लीपिंग ज्वाइंट ब्लैक होल खोजा गया है जो पृथ्वी से 33 गुना है, उसका नाम बताइए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपका, इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्लीपिंग ग्लैंड ब्लैक होल 33 टाइम्स द मास ऑफ सन इन आवर गैलेक्सी नेम इट, ठीक है, इंग्लिश में आपका सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गैया BH3, क्या नाम रखा है, गैया BH3, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन कह रहा है किस अरब देश के रेडियो पर पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण अप्रैल 2024 में शुरू हुआ है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। 14 का हो जाएगा बी कुवैत, ऑप्शन बी हो जाएगा कुवैत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिशूर पुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, त्रिशूर पुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं केरल राज्य में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन कह रहा है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी होने का अनुमान है, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो UNFPA के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ होने का अनुमान है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 144.17 करोड़। ये किसके अकॉर्डिंग है, तो UNFPA के अकॉर्डिंग है, और UNFPA के अकॉर्डिंग अभी चीन की जनसंख्या कितना है, तो चीन को भी ध्यान रखिए, ये है 142.5 करोड़। किसके अकॉर्डिंग, तो UNFPA के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए किसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो इसका रिपोर्ट है, लेकिन आपके इससे पहले 2023 में आप एक रिपोर्ट सुने होंगे UNO का, ठीक है, तो UNO रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, 142.86 करोड़। किसके अनुसार है, ये है UNO की रिपोर्ट के अनुसार, जबकि चीन की जनसंख्या, ध्यान रखिए किसके अकॉर्डिंग, UNO के अकॉर्डिंग, ठीक है, चीन की जनसंख्या है 142.57 करोड़, यानी भारत प्रथम स्थान पर है और चीन सेकेंड स्थान पर है, किसके अकॉर्डिंग, UNO के अकॉर्डिंग, और UNFPA के अकॉर्डिंग भी भारत प्रथम स्थान पर है, चीन सेकेंड स्थान पर है, ठीक है। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, UNFPA के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या क्या है और UNO के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या क्या है, दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की एवरेज लाइफ यानी जीवित रहने के संभावना आयु क्या है, तो ये आपका है 71 वर्ष और 74 वर्ष, यानी पुरुष के लिए 71 वर्ष यानी एवरेज लाइफ 71 वर्ष है भारत में पुरुष का, और महिला का है 74 वर्ष, यानी पुरुष से अधिक लाइफ किसकी है, महिला की, पुरुष के 71 है तो महिला का कितना है 74 है, ऑप्शन सी होगा, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया है, देखिए विश्व के कुल मातृ मृत्यु का 8% सिर्फ भारत में होता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित किया है, ठीक है, तो ये किया आपका ध्यान रखिएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR,
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी वाइस चांसलर कौन बनी है, तो ये बने ध्यान रखिए प्रोफेसर नैमा खातून, ऑप्शन ए होंगे प्रोफेसर नैमा खातून। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कह रहा है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, ये बने आपका युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी होगा युजवेंद्र चहल, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर और ईवीएम और वीपैड स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया है, यह फैसला दिया है कि राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे, ठीक है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का ऐलान किया है, ठीक है ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान रखिएगा। तो भारत के किस पड़ोसी देश ने 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य का ऐलान किया है, यह किया है चीन ने, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, देखिए सबसे सस्ता पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत का स्थान है दूसरा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन यानी SET 24 के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल रहे हैं, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य अव्वल रहे हैं यानी सबसे आगे रहे हैं, यह रहा है कर्नाटक और गुजरात, ऑप्शन बी होगा ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा कर्नाटक और गुजरात। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने समलैंगिक संबंध को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है, यह किया ध्यान रखिएगा इराक, ऑप्शन डी होगा 26 का ऑप्शन डी होगा इराक। क्वेश्चन आपका 27 है, क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यह बने आपका इसाक डार, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कह रहा है WHO द्वारा अनुशासित मेनिंजाइटिस रोग के लिए एक नया वैक्सीन MEN-5CV शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है तो मेनिंजाइटिस का एक वैक्सीन लॉन्च किया है तो यह किया है ध्यान रखिएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी होगा नाइजीरिया। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला कि उसकी COVID-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है, तो यह कबूला आपका ध्यान रखिएगा एस्ट्राजेनिका, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को किस रत्न का दर्जा दिया है, ध्यान रखिएगा IREDA को अब नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ठीक है IREDA अब कंपनी कैसा बना गया है नवरत्न कंपनी बन गया, ठीक है ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL को किस रत्न का दर्जा दिया है, तो NFL कंपनी को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन आपका है कि किस केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस रत्न का दर्जा दिया है, तो इसे भी नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। क्वेश्चन आपका 33 है, क्वेश्चन कह रहा है हांगकांग सिंगापुर अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा होता है, तो ये पाया आपका ध्यान रखा इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन ई होगा महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है आपका ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न से किसे नियुक्त किया है, देखिए ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह को, ठीक है युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट, ये तीनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन आपका
डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बार 2024 में T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा। कहाँ होगा? वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कर आपका कि लैरोस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 लैरोस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर्स 2024 का पुरस्कार से किसे दिया गया है? यह पुरस्कार दिया जाएगा नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के टेल वैली वन जीव अभ्यारण्य में नेप्टिस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। यह किया है, ध्यान रखिएगा 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में खोज किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कह रहा है देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने किया है? यह किया है, ध्यान रखिएगा DRDO ने, ठीक है। DRDO ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ की विकास किया है, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी होगा DRDO। क्वेश्चन 38 है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द विनर्स मैन सेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द विनर मैन सेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह है शेन वाटसन की आत्मकथा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह था आपका अप्रैल लास्ट वीक का क्वेश्चन था। आपको हम अगले क्लास में बहुत जल्द ही अप्रैल का आपका फुल मंथ का एक क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आपका अप्रैल के फुल मंथ का आपका करेंट अफेयर के क्वेश्चन को करवा देंगे, और उसके बाद आपका मई के फर्स्ट वीक का, ध्यान रखिएगा मई के फर्स्ट वीक का क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। जल्द ही आपका मई का भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।